बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में बिहारी शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, जिसको लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि इस हिसाब से तो झारखंड में सिर्फ झारखंडी शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। नीतीश कुमार पर जगन्नाथ महतो का पलटवार। नीतीश बोले थे बिहार में बिहारी शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, तो फिर झारखंड में तो सिर्फ झारखंडी शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। जी हाँ, किसी भी राज्य की ताकत वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं। नीतीश कुमार का बयान गलत नहीं है, पर क्या उन्हीं के बयान को झारखंड भी माने तो ये नीतीश कुमार के लिए मान्य होगा या नहीं, ये तो नीतीश कुमार बता पाएंगे। देखिए, हम साफ साफ बोले, यदि बिहार में बिहारी शिक्षक तो झारखंड में झारखंडी शिक्षक, कहीं कोई किंतु परंतु बेहिचक बोलते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दिक्कत क्या, यहाँ भी झारखंड टीचर बनना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टी पॉलिटिक्स में जिस तरह से जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके भविष्य पे ऐसा कुछ? अरे क्यों, अपना जगह जगह बने भैया, पढ़ावे उनको। वहाँ यदि उसका कोई दोष नहीं तो हमारा क्या दोष लगेगा? राज्य पूरे देश का बात है, पूरे सब जगह की बात है, सिर्फ झारखंड में। हम आपको बता रहे हैं कि जो नियमावली बना है, पहले से भी नियमावली बना है, झारखंड में सिर्फ ही पूरा इंडिया के लोग का अथी है, और नहीं तो फिर अपने बंगाल में बंगाली है, बिहार में बिहारी है, बिहार की निवासी होना चाहिए, ये नियमावली है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि ये नियम जो पहले से नौकरी में है उनके लिए नहीं, ये नियम अब उनके लिए होगा जो नई नौकरी ज्वाइन करेंगे। जो है उसके लिए कहां कुछ क्या बोला जा रहा है, उसको कहां भगाया जा रहा है, ये दिग्भ्रमित करने की बात नहीं, उसको कहां भगाया जा रहा है। अभी नियम बना है तो अभी हमारा भी नियम बनना चाहिए। वहीं बिहार में जेएमएम के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा कि बातचीत तो चल रही है, महागठबंधन फोल्डर के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी है। हिंसा में मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, एक बार जीत के फिर दिखाए। एक सीट हम जीते थे, आपका जमुई, फिर यदि सीट मिलेगा महागठबंधन, हम लोग जीतेंगे। पारा शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की दो मांगे, स्थायीकरण और मानदेय को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने फाइल साइन कर विधि विभाग को भेज दी है, अब इस पर फैसला कैबिनेट लेगा। करके भेजा, फिर हमने लिख के भेजे हैं, आज उस पर फाइल के निष्पादन करेंगे और कल चला जाएगा विधि विभाग से आएगा, कार्मिक जाएगा और कार्मिक के बाद कैबिनेट में जाएगा और उसको मंजूरी दिया जाएगा। झारखंड की नौकरियों में झारखंड के स्थानीय लोगों को तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, हर राज्य देता है, तो अगर झारखंड ऐसा करे तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बोकारो से न्यूज 11 भारत के लिए सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।